नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं तत्पुरुष समास का प्रक्रिया भाग, अर्थात तत्पुरुष समास की जो सिद्धियां हैं हमें किस प्रकार से करनी हैं और सिद्धियों को कैसे करते हैं उसका हम प्रक्रिया भाग प्रारंभ कर रहे हैं आज। और तत्पुरुष समास है ये, तो देखिए एक ये तत्पुरुष समास है और आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि जिस समास में प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसको क्या कहते हैं, हम तत्पुरुष कहते हैं। अब देखिए इसमें जब आप एमए में या फिर कॉलेज लेक्चरर या स्कूल लेक्चरर में कहीं भी अगर आप परीक्षा देते हैं तो आपको इसकी सिद्धि करनी पड़ती है। सिद्धि कैसे होती है, देखिए कि एक इसमें सूत्र है तत्पुरुषः, ये विद्यार्थियों अधिकार सूत्र है, आप ध्यान रखेंगे। कैसा सूत्र है ये, अधिकार सूत्र है और यह कहता है यह अधिकार सूत्र है और अष्टाध्यायी में यहां से लेकर लेकर अष्टाध्यायी में यहां से लेकर लेकर शेषो बहुव्रीही सूत्र तक, शेषो बहुव्रीही, शेषो बहुव्रीही जो सूत्र है विद्यार्थियों वह दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 23वां सूत्र है। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 23वां सूत्र है। अब देखिए यह सूत्र क्या कहता है, तक जो समास कहा जाएगा, जो समास कहा जाएगा उसके तत्पुरुष संज्ञा होगी। यह है विद्यार्थियों, ये क्या एक अधिकार सूत्र है। अधिकार का तात्पर्य यह है कि जहां पर यह सूत्र कहा गया है तत्पुरुष, और ये जो तत्पुरुष सूत्र कहा गया है ये क्या है आपका दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 21वां सूत्र है। तो इस सूत्र से लेकर के इस सूत्र तक जितने बार सूत्र आएंगे वे किसके सूत्र होंगे, तत्पुरुष समास के होंगे। तो आपको ध्यान रखना है तत्पुरुष का अधिकार सूत्र है। फिर देखिए एक सूत्र है इसमें द्वयोश्च, ये सूत्र है विद्यार्थियों और ये दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 22वां सूत्र है। और ये क्या कहता है, द्विगु समास भी, द्विगु समास भी तत्पुरुष संज्ञक होता है। ये है, इसका तात्पर्य है कि जो द्विगु समास होता है उसकी भी क्या संज्ञा होती है, तत्पुरुष संज्ञा होती है, यानी द्विगु समास को भी हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए ये आपको पता है कि ये जो इसके द्वितीया से शुरू होता है आपका तत्पुरुष समास, और द्वितीया से और कहाँ तक चलता है, सप्तमी तक। तो देखिए द्वितीया तत्पुरुष का सूत्र है एक, इससे पूरा समास हो जाएगा।
देखिए क्या है, द्वितीया सृतातीत, द्वितीया सृतातीत, द्वितीया सृतातीत पतित, पतित गतात्यस्त अब देखिए पतित गत्यास्त प्राप्तापन्नीय, प्राप्तापन्नीय यह सूत्र है। अब ये जो सूत्र है वो क्या कहता है, देखिए इसका अर्थ है विद्यार्थियों, इसका अर्थ है विद्यार्थियों द्वितीयांत सुबंत। क्या अर्थ है? द्वितीयांत सुबंत, इसका मतलब होता है ऐसा सुबंत जिसके अंत में द्वितीय विभक्ति हो। सृत सृत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न। आपन्न सुबंतों के साथ, सुबंतों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है। और वह तत्पुरुष समास होता है। ये इसकी परिभाषा है, इसका अर्थ है। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है विशेष रूप से कि जब आप इसको करोगे तो देखिए ये शब्द हैं जैसे सिरत है, अतीत है, पतित है, गत है, अत्यस्त है, प्राप्त है और आपन है। इनमें से कोई सा भी आ जाए समझ लो आप द्वितीया तत्पुरुष समास है। और द्वितीया जो तत्पुरुष समास है वो इनके साथ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है विकल्प से होता है ये समास। आपको अव्यय भाव जब मैंने कराया था तो आपको उसमें बताया था कि वह नित्य समास होता है। नित्य समास किसको कहते हैं? जिस समास का विग्रह नहीं होता है, और अगर होता है तो अस्वपद होता है, उसको तो बोलते हैं नित्य समास। और वैकल्पिक जिसका विग्रह होता है और जिसमें सभी पद विद्यमान रहते हैं उसको कहते हैं हम वैकल्पिक। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं राज्ञः पुरुषः, ये हो गए हमारे दो पद और इनका समास क्या बन जाता है? राज पुरुषः। तो देखिए इसके दोनों पद हैं, राज पुरुषः के राज भी है पुरुष भी है, तो जिसमें दोनों पद आ रहे हैं तो उसको वैकल्पिक समास कहते हैं। तो विकल्प से होता है और नित्य समास का विग्रह नहीं होता है, इसका विग्रह हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हर जगह हमें ये सूत्र लिखना है। जहाँ भी आपको द्वितीया समास करना होगा, द्वितीया तत्पुरुष, आपको इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। आप ध्यान रखना, इस सूत्र को याद कर लेना, मैं इसको संक्षिप्त में लिखूँगा विद्यार्थियों। अब देखिए जैसे मैं एक शब्द की सिद्धि करता हूँ, कृष्ण सिरतः, मान लीजिए यह शब्द आ जाता है आपकी परीक्षा में, कृष्ण सिरतः, और ये जब आपकी परीक्षा में आ जाएगा कृष्ण सिरतः, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसका विग्रह करेंगे, और जो विग्रह होता है
देखिए लौकिक और अलौकिक होता है, तो इसका लौकिक विग्रह तो हो जाएगा आपका कृष्णम सिरतः, ये तो हो गया लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह क्या होगा? कृष्ण प्लस सु, सॉरी कृष्ण प्लस अम, क्योंकि देखिए द्वितीया लग रही है, और सिरत प्लस सु, आप लिख देंगे अलौकिक विग्रह। यानी जो व्याकरण के आधार पर विग्रह होता है उसको क्या कह देते हैं? हम अलौकिक विग्रह कह देते हैं, और जो उसका अर्थ होता है समास का उसको कह देते हैं लौकिक विग्रह। जैसे राज पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजा का आदमी। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले समास करेंगे, और समास आपको पता है कौन से सूत्र से हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया है, द्वितीया श्रित, क्योंकि श्रित है ना पहला शब्द, द्वितीया श्रित अतीत पतित ऐसे करके है। तो आप क्या लिख देंगे, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, आपको पूरा लिखना है, द्वितीया श्रित, ठीक है, और यहाँ सिरतातीत लिख देता हूँ, और ये संक्षिप्त में लिख दिया मैंने, आप लिखेंगे सूत्र से समास करने पर। आपको विद्यार्थियों पूरा याद कर लेना है। फिर देखिए, जब समास हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी उपसर्जन संज्ञा करते हैं और फिर उसका पूर्व निपात करते हैं। देखिए, अम प्लस श्रित प्लस सु, और सूत्र लगा देंगे कौन सा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से कृष्ण प्लस सु की उपसर्जन संज्ञा। फिर उसके बाद देखिए, आप लिखेंगे कृष्ण प्लस अम प्लस श्रेत प्लस सु, ठीक है, आप इसका पूर्व निपात करेंगे, सूत्र लग जाएगा उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व निपात, पूर्व प्रयोग, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे हम आगे वाली स्थिति लिखें। इसकी कंप्लीट पीडीएफ विद्यार्थियों, जितने भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, प्लस इस चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब देखिए, उपसर्जन संज्ञा कर दी हमने, उसका पूर्व निपात भी कर दिया। अब क्या करेंगे हम, इन शुभों का लोप करेंगे। क्या करेंगे? शुभों का लोप करेंगे। तो देखिए, पहले आप क्या करेंगे, कृष्ण प्लस अम श्रित प्लस सु, और सूत्र लगा देंगे आप, कृत तद्धित समासाश्च, सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा ठीक है,
अब देखिए, जब समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो आपको क्या करना है, इन सुकों का लोप करना है। आप लिखेंगे कृष्ण प्लस रित, एक सूत्र है और सूत्र है आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सूत्र से प्रातिपदिक के सुपों का लोप, ठीक है विद्यार्थियों। अब इन सुपों का लोप कर देंगे, पुनः फिर हम इसको जोड़ करके इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। आप लिखेंगे आप लिख लेंगे कृष्ण श्रित, सूत्र लगाएंगे विद्यार्थियों वही जो अभी लगाया है, कृतद्धित समासाश्च सूत्र से कृष्ण सेरत की समास संज्ञा, ठीक है विद्यार्थियों। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने वैसे इसमें जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो उसमें पूरा कर दिया है। जैसे आप राम की सिद्धि करते हैं तो क्या करते हैं, आप सबसे पहले सूल आते हैं, सूल आएंगे और सूल आकर के क्या करेंगे आप, फिर उसका सू के ऊ का लोप करेंगे, फिर सा को रा करेंगे ससज सोरू से, फिर रा के ऊ का लोप करेंगे और ऊ का लोप करने के बाद फिर आप विद्यार्थियों क्या करते हैं कि उस रेप को यानी रा को विसर्ग कर देते हैं। हमें क्या है, क्योंकि एमए में इतना टाइम नहीं मिलता और ये बीए पार्ट सेकंड का यानी सुबंत प्रकरण का है, पीडीएफ में आपको टोटल मिल जाएगा, बाकी आपको यहाँ कर देना है। आप इसको जोड़ेंगे, ये मिल गया, फिर उसके बाद आप लिख देंगे कृष्ण सिरतः और आप लिखेंगे विभक्ति कार्य करने पर सिद्ध, ठीक है। वह जो प्रक्रिया है आपको पीडीएफ में मिल जाएगी क्या क्या करते हैं, बाकी आपको एमए में इतना ही करना है। इसके बाद जब ये समास संज्ञा कर देंगे तुरंत आप ये विसर्ग लगा देंगे, लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर सिद्ध। अब देखिए ये तो बात हो गई हमारी किसकी, कृष्ण सिरत की। अब और भी शब्द हैं, कौन से देखिए, दूसरा जो शब्द है अतीत है, कौन सा है विद्यार्थियों, अतीत। अब मान लीजिए आपके पास ये शब्द आया है अरण्यातीत, आपको देख लेना है अतीत, क्योंकि वह जो सूत्र पढ़ा है ना आपने, कौन सा, द्वितीय आश्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त अपन नहीं है, वे जो शब्द पीछे मिल जाए समझ लेना द्वितीय तत्पुरुष है। अब देखिए अतीत मिला है तो अब हम इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, इसका विग्रह हो जाएगा अरण्यम अतीतः। आपको ध्यान रखना है ये लौकिक विग्रह है और जब अलौकिक विग्रह करेंगे तो अरण्य प्लस अम प्लस अतीत प्लस सु, ठीक है, आप लिख देंगे अलौकिक विग्रह और बाकी जो सिद्धि है वैसी करनी है जैसे आपने कृष्ण सिद्ध की है, ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद उसमें अतीत के बाद क्या था, पतित था,
पतित्था, तो देखिए मान लीजिए आपके लिए शब्द आ जाता है कोप पतितः, ये आ गया। तो आप इसका जब विग्रह करेंगे लौकिक तो क्या हो जाएगा, कूपम पतितः, और अलौकिक करेंगे तो कूप प्लस अम पतित प्लस सु, और ये हो गया आपका अलौकिक। और सिद्धि आपको कृष्ण सिरत की तरह करनी है बस, जैसे आपने कृष्ण सिरत की किया, बस कृष्ण के स्थान पे कूप आ जाएगा, सिरत के स्थान पे पतित आ जाएगा। और दूसरी जो सिद्धि है इसमें देखिए, पतित के बाद था गत, तो गत है, तो जैसे मान लीजिए आपके लिए आ जाता है ग्राम गतः, इसका जब लौकिक विग्रह करेंगे आपको केवल इसमें द्वितीया लगानी है, ये जब आ जाए ना शब्द तो आपको ध्यान रखना है पहले में द्वितीया लगानी है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए ग्रामम गतः, ये तो हो गया लौकिक विग्रह, और जब अलौकिक करेंगे आप तो क्या होगा, ग्राम प्लस अम गत प्लस सु, यह अलौकिक हो गया। और अलौकिक विग्रह करने के बाद फिर आपकी सिद्धि हो जाती है, अलौकिक विग्रह है विद्यार्थियों। इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखिए और हैं शब्द, तो आपका गतः तक हो गया, देखो अत्यस्त है अत्यस्त शब्द, तो ये आ जाए मान लीजिए आपके लिए ग्रामात्यस्तः, ये आ जाता है, तो आपको क्या करना है इसका विग्रह करेंगे तो ग्रामम अत्यस्तः, ये हो गया लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह आपको ध्यान रखना है, जो समास हुआ है उसका जो अर्थ होता है उसी को क्या कहते हैं, हम लौकिक विग्रह कहते हैं। अब इसके जब आप अलौकिक विग्रह करेंगे तो ग्राम प्लस अम, आप कहेंगे ये अम कहाँ से आया, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का जो प्रत्यय होता है वो अब अम होता है, तो ये अम आ गया। फिर देखिए अत्यस्त है, क्योंकि इसमें विसर्ग लगे हुए हैं तो प्रथमा का है, इसलिए सु आ गया, ये हो गया अलौकिक विग्रह। सिद्धि आपको कृष्ण सिरत की तरह ही करनी है, ध्यान रखेंगे आप जिस प्रकार से मैंने वो कराई है। फिर देखिए प्राप्त है, जैसे मान लो आ जाए आपके लिए सुख प्राप्त, तो इसका जब लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुखम प्राप्त, और अलौकिक करेंगे तो ये हो जाएगा सुख प्लस अम प्राप्त प्लस सु, ठीक है, ये हो गया आपका अलौकिक विग्रह। फिर एक और शब्द है इसमें विद्यार्थियों जो लास्ट है, आपन, तो आप देखिए आपन का हो जाएगा दुखापन्न, ये सामासिक पद है, समस्त पद है, और विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, दुखम प्लस आपन्न, सॉरी दुखम आपन्न। फिर उसके बाद इसका अलौकिक विग्रह कर लेंगे, अलौकिक विग्रह क्या होता है, दुख प्लस अम आपन प्लस सु, आपन प्लस सु, और ये आपका अलौकिक विग्रह, इसी से सिद्धि हो जाएंगे विद्यार्थियों। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, वो है जो सूत्र है कौन सा, द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नय, उसमें जो शब्द आए हैं, एक तो आया है श्रित,
एक आया है अतीत, एक आया है पतित, एक आया है गत, एक आया है अत्यस्त, एक प्राप्त और आपन्न। ये ऐसे शब्द हैं, ये अगर आपको मिल जाते हैं कहीं पीछे समास में, आप समझ लेना द्वितीया तत्पुरुष समास है और उसी के आधार पे सिद्धि कर देनी है। मैंने आपको द्वितीया का पूरा करा दिया, आप इसको अच्छी तरह से कर लें। अब कुछ विद्यार्थियों की समस्या ऐसी है कि साहब जो अनुवाद हैं वह परीक्षा की दृष्टि से करा दीजिए। परीक्षा की दृष्टि से ही हैं विद्यार्थी उसमें जो मैंने कराए हैं, और एक नहीं प्रतियोगी परीक्षा दे सकते हैं आप उससे, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दे सकते हैं, कोई सा भी आप उससे वो कर सकते हैं। बस इतना है कि उनमें मैंने एक एक पंक्ति का अर्थ कराया है और आपकी जो परीक्षाएं में आएंगे एक पैराग्राफ आएगा, पूरा गद्य आएगा, और पूरा जो गद्य आएगा उसका एक एक लाइन लेकर के आपको अनुवाद करा देना है। और देखो अनुवाद कई तरीके से होता है विद्यार्थी, ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द उसमें आ जाए, बस ये है उसका अनुवाद हो जाए, उसको समझ जाए व्यक्ति कि हाँ इसका मतलब ये है। क्या आप सोचें अक्षर के अनुसार अनुवाद हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए आप उन्हीं का अध्ययन कर लें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ विद्यार्थियों, आपके कमेंट से ही मुझे ये पता चलता है कि आप इन वीडियो को देख रहे हैं अथवा नहीं दे रहे हैं, देख रहे हैं, कोई इसका लाभ उठा पा रहा है अथवा नहीं उठा पा रहा है। अगर किसी को लाभ ही नहीं हो रहा है तो फिर मेरे वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए जिस किसी को भी कोई समस्या है, कोई भी देख रहे हैं, अपने साथियों को लिए भी शेयर कर दें, इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है कि आपको हर सूचना मिल जाए। फिर दूसरी बात, ये जितनी भर वीडियो हैं, जो भी एमए कर रहे हैं बच्चे, वे नेट की परीक्षा देते हैं, सब वीडियो आपकी नेट में काम आएंगी। अगर आपको मान लो पढ़ने का मन नहीं है, वीडियो सुन ली तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी नेट की परीक्षा में अभी परीक्षा चल रही है, जिन विद्यार्थियों ने बीएड प्लस एमए किया है, ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने बीएड और एमए किया है, तो देखिए लेक्चरर की भर्ती चल रही है अभी, कॉलेज लेक्चरर की चल रही है, और कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा 2 अक्टूबर को है। अगर आप देखेंगे तो जितनी बार वीडियो मैं इस पर डाल रहा हूँ वह वीडियो आपको उस लेक्चरशिप में बहुत मदद करेंगी। जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है कॉलेज लेक्चरर की, वह इन वीडियो को अवश्य देखें, अपने साथियों के लिए शेयर कर दें इसको, जिससे वे लाभ उठा सकें, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और जो भी समस्या होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही आप कमेंट्स करेंगे मैं वीडियो आपको तुरंत बना देता हूँ। कभी कोई विशेष परिस्थिति होती है उसका कहना एक अलग है, बाकी मैं आपकी समस्या का तुरंत समाधान करता हूँ। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।